हे गाइस, वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। दुनिया को सत्य, सेवा, समर्पण और देशभक्ति का पाठ सिखाने वाले गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, जिन्होंने अपने ज्ञान से दुनिया भर को प्रकाशित किया। सिख धर्म में कुल 10 धर्म प्रवर्तक हुए, जिनमें से गुरु नानक देव सबसे पहले थे। आइए इस वीडियो में गुरु नानक देव के ही जीवन चक्र की बातें करते हैं। आखिर कैसे एक हिंदू ने दुनिया के सबसे नए धर्मों में से एक सिख धर्म की स्थापना की और कैसे एक साधारण इंसान भगवान का दूत बन गए। गुरु नानक साहब का जन्म एक सामान्य हिंदू परिवार में 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। हालांकि कहीं कहीं उनके जन्म की तारीख 29 नवंबर भी मिलती है। उनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। आपने पाकिस्तान में स्थित ननकाना साहिब का नाम सुना ही होगा। आपको बता दें कि आज के समय में तलवंडी को ही ननकाना के नाम से जाना जाता है। ननकाना साहिब गुरु नानक देव का जन्म स्थान है। उन्हीं के ही नाम पर इस जगह का नाम ननकाना साहिब पड़ा। उनके पिता का नाम लाला कल्याण राय और माता का नाम तृप्ता देवी था। उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम नानकी था। गुरु नानक देव ने बचपन में ही सामाजिक न्याय, सच्चाई और सद्गुणों को महत्वपूर्ण माना, जिस कारण से उनकी दी गई शिक्षाओं को लोगों ने ग्रहण किया और उनका पालन भी किया। उनकी भाषा की मिठास ने लाखों लोगों का दिल जीता। वह बचपन से ही भजन गाया करते थे, जिसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। उस समय पर हमारा समाज अलग अलग अवधारणाओं में बटा हुआ था। समाज में मौजूद धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के उद्देश्य से गुरु नानक देव ने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे आज के समय में सिख धर्म के रूप में जाना जाता है। उनका प्रमुख उद्देश्य था एकता, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और सभी मानवों को एक ही परमात्मा में एक समान भावना से जोड़ना। इसे एक ओंकार या एक ओंकार सतनाम कहा जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर एक ही है और सभी मानव एक ही परिवार के हैं। गुरु नानक देव ने समाज में एकता के सिद्धांत को महत्वपूर्ण रूप से प्रमोट किया और सभी मानवों को एक ही परमात्मा की सेवा में लगने की सीख दी। सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसमें सिख धर्म के सभी गुरुओं के द्वारा दी गई शिक्षाओं के साथ साथ गुरु नानक देव के द्वारा भी दी गई शिक्षाओं का वर्णन है। करतारपुर साहिब, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, गुरु नानक देव ने यहाँ ही अपने शरीर को त्याग दिया था। ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब, यह दोनों ही सिखों के लिए एक बेहद पवित्र स्थान है और दोनों ही पाकिस्तान में स्थित है। लाखों श्रद्धालु हर साल इस पवित्र स्थान पर जाते हैं। गुरु नानक देव की मौत 22 सितंबर 1539 को हुई थी। गुरु नानक देव ने अपने शिष्य गुरु अंगद देव को अपनी गुरुता की गद्दी पर बैठाया। जब उनकी आत्मा को वाहेगुरु के साथ मिलाने का समय आया, तो उन्होंने अपनी आत्मा को ईश्वर की ओर समर्पित कर दिया। गुरु नानक देव का जीवन धार्मिक शिक्षाओं, सेवा भावना और मानवता के मूल्यों के प्रचार प्रसार में विनम्रता और समर्पण के साथ गुजरा। उनकी मौत के बाद उनके शिष्य गुरु अंगद देव ने सिख समुदाय का गुरु बनकर उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और सिख धर्म को एक महत्वपूर्ण और धार्मिक आंदोलन का केंद्र बनाया। गुरु नानक देव के द्वारा स्थापित इस धर्म में जातिवाद की कोई परिकल्पना नहीं थी, लेकिन आज के समय में इस धर्म में भी जातियों का उदय हो गया है। इस धर्म के कई लोग दूसरे धर्म और दूसरे लोगों के बहकावे में आकर सिख धर्म को छोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि देशभक्ति, सेवा और समर्पण का एक अनूठा उदाहरण सिख धर्म ही है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।